ओम जी कक्षा शुरू हो गई है सभी को नमस्ते ओम और हम कक्षा को शुरू कर देते हैं आप लोग धीरे धीरे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आते रहेंगे चलिए तब तक कक्षा शुरू करते हैं आज हम पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय है पिछले अध्यायों में हमने ब्रह्मचर्य को पढ़ा और किस प्रकार से विवाह होना चाहिए और ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं क्या धर्म हैं और गृहस्थों के क्या धर्म हैं शादी किस प्रकार से होनी चाहिए लड़का और लड़की के कौन कौन से गुण हैं जो मिलान होने चाहिए ये बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में हमने डिस्कस की हैं पिछले तीन अध्यायों में और आज चौथा जो अध्याय है उसमें से हम स्नातक गृहस्थों के जो व्रत हैं वो भी हमने पढ़े कि किस प्रकार से बताया गया है कि प्रत्येक गृहस्थ को जिस भी वेद में वो पारंगत है उसको निरंतर अभ्यास में बनाए रखना चाहिए हाँ ये मनुस्मृति के बाद में गीता है और चाणक्य नीति है विदुर नीति है बहुत सारी चीज़ें हैं इसको हम मनुस्मृति के बाद में जनता दरबार यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर के जाएंगे वो बना ही आप लोगों के लिए चैनल है तो वहाँ से हम शुरू करेंगे और आप लोग अभी 80 अस्सी लोग देख रहे हैं सभी के सभी पहले इस लाइव को शेयर करें इसको लाइक करें क्योंकि इससे पता लगता है कि हम अपने ग्रंथों के प्रति कितने सजग हैं और कितना हम कर्तव्य समझते हैं इनको सबके साथ में स्प्रेड करने शेयर करने में तो उससे क्या होता है कि जागरूकता बढ़ती है आप पढ़ना चाहते हैं बहुत सारे भाई हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो इसको वहाँ तक पहुँचाइए ठीक है तकरीबन सौ लोग हो चुके हैं सभी वीडियो को लाइक करके और सबसे पहले इसको स्प्रेड कर दिया करें शेयर कर दिया करें चलिए हम बात कर रहे थे कि गृहस्थों के बारे में ऋषि ने किस प्रकार से बताया है कि ब्रह्मचर्य केवल पढ़ाई के दौरान ही नहीं कि पढ़ा और छोड़ दिया गृहस्थी के समय पर भी अपने अध्ययन स्वाध्याय को बरकरार रखें तो आप में से जितने भी सदगृहस्थ हैं उन सब का ये कर्तव्य बनता है कि आप सब लोग भी निरंतर अभ्यास में इसी प्रकार से पढ़ते चलें यथा यथा ही पुरुष शास्त्र समी तथा तथा विजाती विज्ञान चास्य रोचते कहते हैं ऋषि मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान में प्रवीण होता जाता है तथा वैसे वैसे ही उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और गंभीर ज्ञान प्राप्ति में उसकी रुचि बढ़ती चली जाती है जैसे कि आप सभी लोग कितने अच्छे हो जितना भी आपने पढ़ा है जितना भी अभी तक जाना है उन सबको जानने के बाद भी देखो लगातार आपके मन में इच्छाएं जागृत हो रही हैं तो किसी भाई ने अभी कहा गीता जी का भी स्वाध्याय कराओ कभी इसके बाद गीता जी का स्वाध्याय होगा फिर उसके साथ ही साथ चाणक्य नीति चलेगी विदुर नीति चलेगी उपनिषद चलेंगे फिर वेद भी चलेंगे तो इस प्रकार से हमको बहुत कुछ पढ़ना है वही ऋषि कह रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्र ज्ञान में प्रवीण होता चला जाता है उसी अंदर की जो जिज्ञासा है वो और भी बढ़ती चली जाती है और उसके ज्ञान प्राप्ति की रुचि तो बढ़ती बढ़ती है उसके ज्ञान की गंभीरता भी बढ़ जाती है आगे कह रहे हैं ऋषि कि ऋषि यज्ञ देव यज्ञ वैश्व यज्ञ अतिथि यज्ञ पितृ यज्ञ इनको सदा ही जहाँ तक भी हो कभी ना छोड़े अर्थात अपने जो गुरु हैं देखो जो यज्ञोपवीत भी पहनते हैं तो उसमें भी तीन सूत्र होते हैं और तीनों सूत्र हमको याद दिलाते हैं देव ऋण अर्थात इस ईश्वर का हम पर ऋण है क्या ऋण है इस ईश्वर का हम पर ईश्वर का ऋण है जिसने प्रकृति बनाई जिसने पूरा संसार बनाया जिसने जो हमारे माँ बाप का भी माँ बाप है उनके माँ बाप का भी माँ बाप यानी कि सबसे बड़ा पिता जिसको कहा थे हम परम पिता परम ईश्वर परमेश्वर जिसने इस धरती को बनाया और यहाँ पर तरह तरह की फसलें बनाई ये सूरज चांद बनाए समय बनाया दिशाएं बनाई और जिसने सब व्यवस्थाएं करके हमारे आने से पहले दी देखो आप भी होते हैं तो आपके घर में यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने के बाद में आपको पता लगता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है आपको सब कुछ नहीं पता होता है ईश्वर ईश्वर ने मनुष्य को पैदा करने से पहले उसको पता था कि इनको क्या क्या आवश्यकता है अब देखो गाड़ी कब बनी गाड़ी जो पेट्रोल डीजल से चलती है वो अब बन रही हैं लेकिन ईश्वर ने करोड़ों साल पहले ही उसकी व्यवस्था करके रखी थी पेट्रोल डीजल पृथ्वी के नीचे हजारों करोड़ों लाखों वर्षों से दबा पड़ा था लेकिन ईश्वर के पास में प्रत्येक चीज़ का पहले से पहले ही भंडारण है मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा यथिष्ट हो जाए उसको एक बात का भान तो हमेशा रहता है कि कोई ना कोई पावर कोई ना कोई शक्ति हमेशा काम करती है तो इस प्रकार से मनुष्य अलग अलग मजहब बना लेता है अपने अपने पंथ बना लेता है दुकानदारी के लिए लेकिन मनुष्य मात्र के लिए जो ईश्वर ने का बनाया हुआ जो धर्म है उससे आगे और कुछ भी नहीं आप दुकानदारी के लिए कुछ ही बना सकते हैं ईश्वरीय जो व्यवस्था है उससे बाहर कहीं नहीं निकल सकते तो आगे ऋषि कहते हैं अग्निहोत्र प्रतिदिन करना चाहिए क्योंकि उससे वायु शुद्धि होती है अब देखिए हम कितने सारे लोग हैं तो हम अगर कहीं पर भी गंदगी करते हैं जैसे कि हम कचरा फैलाते हैं इधर उधर बहुत सारा गंदगी करते हैं तो उसको साफ़ सफाई करनी चाहिए वातावरण शुद्ध रखना चाहिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए जीव जंतुओं पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये पूरे इनकी ईश्वर ने एक चेन बनाई हुई है उस चेन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए अपने स्वाद के लिए दूसरे कहा है अतिथि सत्कार का विधान हमेशा रखें। गृहस्थ के घर में कोई भी अतिथि आसन भोजन बिछोना आदि से या जल कंद मूल फल आदि से सामर्थ्य के अनुसार बिना सत्कार किए ना रहे अर्थात यथाशक्ति सबका सत्कार अवश्य ही करना चाहिए गृहस्थ के जीवन के विषय में बताया है यदि आप अपने सदग्रस्त हैं अपने जीवन में और आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको पानी पूछो फिर उसका आदर सत्कार करो फिर क्या कहा गया है उसको आसन बिछोना दो उसको फिर भोजन और सब कुछ सत्कार उसके लिए यथायोग्य करना चाहिए अब बताओ इसमें कहीं पर यह लिखा है क्या कि इसको केवल सवर्ण करे जो राजपूत है वो करे दलित बिल्कुल ना करे या वैश्य करे या ओबीसी ना करे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर सबके लिए समान है मनु महाराज सब मनुष्यों के लिए आदेश और उपदेश करते हैं किसी एक के लिए नहीं करते हैं तो आजकल तथाकथित देखो मैंने ये बात पहले ही बताई है और फिर से बताऊंगा और हर बार बताऊंगा जिन मुसलमानों को और जिन तथाकथित दलितों को अपनी दुकान चमकानी है तो भाई दुकान चमकाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है खूब मजे से करो जो तुम्हें करना है लेकिन हम तो अपनी सच्चाई बताने से हमको सच्चाई बताने से तो कोई नहीं रोक सकता सच्चाई यही है कि मनु महाराज ने सबके मुंह पर ये तमाचा हमेशा मारा है कि उसमें कहीं भी जातिवादिता नहीं है जबकि मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूँ कि हमारे संविधान में जातिवादिता है उसमें साफ़ तौर पर जातियों के नाम लिखे गए हैं जबकि मनु महाराज की मनुस्मृति में जातियों का नाम नहीं है इस प्रकार से सब मनुष्यों के लिए है अब मुझे बताओ कोई मुसलमान मना कर देगा क्या कि हम पहली चीज़ कि हम वातावरण को शुद्ध नहीं करेंगे कोई मुसलमान कह सकता है कि हम सिर्फ गंदगी करेंगे सफाई नहीं करेंगे क्या कोई मुसलमान कह सकता है कि हम घर में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे क्या कोई भीमवादी कह सकता है कि हम सत्कार नहीं करेंगे तो इस प्रकार से यदि कोई मुस्लिम यदि कोई दलित तथा कथित मनु महाराज का असली विरोध करना चाहता है तो वो गंदगी में रहे कूड़े के ढेर में घर बना करके रहे और सबसे बड़ी बात कि अपने घर में आने वाले मेहमानों की खूब बेज्जती करे और उससे बड़ी बात कि अपने घर की स्त्रियों की खूब बेजती करे उनको खूब मारे पीटे तब जाकर के मनु महाराज का असली विरोध हो सकता है तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सत्कार के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन हैं? ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई भी आ गया और आपने उसी का सत्कार करना शुरू कर दिया ऐसा नहीं कर सकते हैं इसमें कह रहे हैं पाखंडिनो नो स्थान वेडाल वृत्तिकान शठान हेतुगान बक वृत्ति वांग मात्रेणापि नारचयेत ऋषि बता रहे हैं पाखंडियों अर्थात वेद विरोधियों का अपराधियों का तथा शास्त्रोक्त निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध चलने वालों का विडाल वृत्ति अर्थात जो ढोंगी होते हैं जो धूर्त हैं ठग हैं कुतर की बकवादी हैं और बगुला भक्त बगुला भक्त किसको कहते हैं जो छल कपटी मनुष्यों वाणी मात्र से भी उनका सत्कार ना करें अर्थात उनको वाणी से भी ना उनको नमस्ते करनी है ना उनको सत्कार करना है सिर्फ इग्नोर करना है सिर्फ इग्नोर किन लोगों को करना है इग्नोर जिसके बारे में आपको पता है विडाल है धूर्त है दंबी है द्वेषी है ठग है और बगुला भगत अर्थात जो बाना तो ओढ़ लेता है ऋषियों का संतों का साधुओं का लेकिन अंदर से वो विडाल होते हैं तो ऐसे लोगों का कभी भी जो वर्तमान में जो जटा यानी कि बहुत सारे बाल लदा लेंगे खूब सारे और भगवा कपड़ा पहन लेंगे और होते हैं वो क्या चांडाल से भी बुरे उनके कर्म होते हैं तो ऐसे लोगों का कभी भी सत्कार ना करें ऐसे लोगों से सदा ही दूर रहें आगे कह रहे हैं ऋषि कि वेदों के विद्वान ज्ञानी और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्नातक बने हैं उनका तथा वेद का स्वाध्याय करने वाले जो गृहस्थ हैं उनको भोज्य पदार्थ धन धन से वस्त्रदान आदि से सत्कार करें और जो इनसे विपरीत हैं जो वेद शास्त्रों के विद्वान और विधिवत ब्रह्मचर्य स्नातक नहीं है तथा जो वेदाध्ययन नहीं करते हैं उनका तो सत्कार भी ना करें अर्थात जितने भी मूल्य हैं जो हमारे धर्म को गलत बताते हैं उनके साथ में तो कभी बात भी नहीं करनी चाहिए ऐसा मनु महाराज का आदेश है अब ये समझ लो उनका तो जवाब भी नहीं देना चाहिए उनका तो मन वाणी से भी सत्कार ना करें चाहे कुछ भी हो जाए अब ये मानु महाराज का आदेश है जितने भी तथाकथित भीमवादी लोग हैं जितने भी वेद विरुद्ध हैं जितने भी लोग सिर्फ छल दम्ब द्वेष और पाखंड की बात करते हैं उनके साथ में कभी बात ना करें जो जटाजूटधारी हैं चाहे वो पीला कपड़ा पहने लाल कपड़ा पहने अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुओं का धर्मात्मा कहें बहुत बड़ा संत कहें उनको कभी भी तूल ना दें कभी भी उनके जो है वाणी मात्र से भी उनका सत्कार ना करें सिर्फ उनको इग्नोर करें और भाई चल ठीक है इतनी सी बात उनके साथ में होनी चाहिए बस जवाब भी ना दें उनका अब कह रहे हैं गृहस्थों को जिससे परिवार के भरण पोषण में बाधा ना पड़े इस प्रकार से यथा योग्य शक्ति अपने हाथ से जो भी जो पकाते नहीं है यानी कि जो अपने हाथ से खाना नहीं बनाते जैसे कि ब्रह्मचारी होते हैं तो ब्रह्मचारी अपने हाथ से खाना नहीं बनाते हैं जो सन्यासी होते हैं वो भी अपने हाथ से खाना नहीं बनाते उनको बना बनाया भोजन दान दें अब देखो आपके घरों पर कितने सारे भिखारी आते हैं कोई कहता आटा दो कोई कहता चावल दो कोई कहता गेहूँ दो कोई कहता रुपये दो कोई कहता कपड़े दो ये जो भिक्षा आज मांग रहे हैं ये भिखारी ये अब उस पैसे का क्या करते हैं फिर उस पैसे से दारू पीते हैं उस पैसे से वो नशेबाजी करते हैं उससे मांस आदि खाते हैं गोश्त खाते हैं ऐसे लोगों को कभी भी कुछ भी द्रव्य ना दें यदि हमारे भरण पोषण में बाधा ना पड़े इतना तभी तक दान दें यदि हमारे भोजन आदि में जो हम हमारी खुद की व्यवस्था है यदि वो बिगड़ रही है तो कभी भी दान आदि ना करें और अगर देनी भी है तो उसी को ही दें जैसे कि कोई व्यक्ति जो खाना आदि ना बना सके ऐसे लोगों को दान दें और भोजन दान दें आगे क्या लिखा है केश नाखून और दाढ़ी कटवाता रहे संयमी रहे स्वच्छ वस्त्र धारण करे आंतरिक और बाह्य शुद्धता रखे और सदैव वेदों के स्वाध्याय और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहे स्वाध्याय में क्या रहे स्वाध्याय में हमेशा लगा रहे ऐसा गृहस्थ को होना चाहिए अब बताओ यदि आप गृहस्थी हो और गृहस्थी होकर भी यदि आप अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो आप ये देखिए कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं यदि आप अपने घर में रहकर भी यदि आपके पास सामर्थ्य है तो भी यदि आप पढ़ाई नहीं करते यदि आप मनुस्मृति नहीं पढ़ सकते गीता आदि का स्वाध्याय नहीं कर सकते यदि आप वेद स्वाध्याय या उपनिषद नहीं पढ़ सकते दर्शन नहीं पढ़ते तो फिर ये देखो कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो ये पाप का भोजन कर रहे हो स्वाध्याय किए बिना भोजन करना भी ऐसा है जैसे कि पाप का पाप खाना पाप का भोजन करना ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है इसलिए आप अगर ग्रस्त हैं यदि आप ब्रह्मचारी हैं यदि आप वानप्रस्थी हैं या फिर आप सन्यासी हैं चारों अवस्थाओं में आपको अपने दर्शन उपनिषद यानी कि आपके धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए आगे लिखते हैं कामातुर होता हुआ भी मासिक धर्म के दिनों में स्त्री से संपर्क ना करें उसके साथ एक बिस्तर पर ना सोए स्त्री कि जब पीरियड्स कहते हैं इंग्लिश में जब पीरियड्स हो रहे हों तो स्त्री से सम जो संभोग होता है वो कभी भी ना करे अर्थात उसके पास में भी ना जाए इस प्रकार से ऋषि कहते हैं और इसके साथ ही साथ जो पिछले श्लोक में बताया था कि जितने भी बाधित दिवस हैं अर्थात उनके रजो दर्शन से लेकर के और कंप्लीट जो 10-12 दिन बताए थे उसमें भी उनके पास ना जाए अर्थात संपर्क संभोग ना करे तो उसमें क्या होगा गृहस्थ रहता हुआ मनुष्य भी कैसा होता है गृहस्थ रहता हुआ मनुष्य भी ब्रह्मचारी के समान ही होता है तो इस प्रकार से मनुष्य 25 वर्ष पर्यंत तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ और शादी के बाद भी संयमित और बच्चों के लिए बालकों के जीवन की उत्पत्ति के लिए ही केवल अपनी पत्नी के साथ में संभोग करे उसके अलावा ना करे अर्थात वीर्य का बेकार में उसका नाश ना करे ऐसा यहाँ पर ऋषि बता रहे हैं आगे कहते हैं कि रज निकलती हुई अर्थात रजस्वला स्त्री से संभोग ना करने वाले उस मनुष्य के बुद्धि तेज बल आदि और उसकी आयु सब बढ़ते हैं अर्थात जो मनुष्य बेकार में जो वीर्य का नाश नहीं करता उसकी बल आयु बुद्धि सब बढ़ता है अब बताओ कहीं से लेकर कहीं तक जो आज की पढ़ाई है उसमें यह नहीं बताया जाता जो पाश्चात्य साहित्य है जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें यह कहते हैं कि जो मन में आ रहा है वो करो अगर तुम्हारे मन में आ रहा है बर्तनों को फेंकना तो बर्तनों को फेंको मन में आवेश आ रहा है कि हम हमको अभी के अभी संभोग करना है तो जैसे भी चाहो वैसे करो चाहे वो अप्राकृतिक हो चाहे प्राकृतिक हो चाहे कैसे भी हो सिर्फ उसको तुरंत के तुरंत शांत कर लो अन्यथा वो बीमारी बन के कहीं ना कहीं फूट के निकलेगी दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है केवल आपको योग करना है जो लोग इसको कंट्रोल ना कर पाएँ वो शीर्षासन किया करें सर्वांगासन किया करें कपाल भाती किया करें बाह्य प्राणायाम किया करें तो उससे आपका तेज ओज खूब बढ़ेगा और मन में चंचलता नहीं आएगी क्योंकि मन में चंचलता आने की वजह से ही ऐसे पाप अपने से होते हैं आगे ऋषि बता रहे हैं कि बिना सिखाए हुए भूख और रोग से पीड़ित जिनके सींग नेत्र और खुर टूट फूट गए हैं जिनकी कटिया घायल हो गई है ऐसे गाड़ी में जुतने वाले घोड़े बैल आदि पशुओं को रथ या गाड़ी में जोत ना चलें कभी भी किन पशुओं की सवारी नहीं करनी चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है कि हमको कभी भी एक तो जिन पशुओं को सिखाया ना गया हो अर्थात जो अनाड़ी हों ठीक है जो अनाड़ी पशु हैं उनको भूखे हैं उनको या बीमार हैं या जिनके सींग टूट गया हो आंख फूट गई हो या खुर थोड़ा भी उनका टूट फूट गया हो या जिनकी पूँछ कटी हुई है कहीं से घायल हैं ऐसे पशुओं को कभी भी गाड़ी में ना बांधें या फिर उनके ऊपर कभी भी सवारी ना करें हमेशा क्या कहा है हमेशा सिखाए हुए स्वस्थ लक्षणों से युक्त सुंदर रंग रूप से युक्त शीघ्रगामी और जो हष्ट पुष्ट हैं उनको उन पशुओं से आगे क्या लिखा है चाबुक की मार से बार बार पीड़ा ना देता हुआ सवारी कर रहे अर्थात या गाड़ी में जोते अर्थात उनको किसी भी प्रकार से कष्ट ना देता हुआ पशुओं को भी इतने आराम से इतने ध्यान से रखने की बात कही गई है मेरी बात ध्यान से सुनो कि पशुओं को ना मारता पीटता हुआ ऐसे पशुओं की सवारी करे ऐसे पशुओं को हल में जोते ऐसे पशुओं को रथ में जोड़े या जो बैलगाड़ी होती है उसमें जोड़े के जो पुष्ट हों ऐसों हो को अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वैदिक काल में तो बैलगाड़ी से चलते थे आज कहाँ बैलगाड़ी से चलते हैं तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ देश में आज भी 65 से लेकर के 70 परसेंट गाँव है उन गाँव में जितनी भी फसल होती है वो सब के सब लोग डिपेंड होते हैं घोड़े के ऊपर बैल के ऊपर भैंसे के ऊपर शहर में बैठे हुए लोग ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं इन बातों के ऊपर और एक चीज़ जो सबसे ख़ास है उसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से अगले आठ साल के अंदर अंदर यदि भारत के मुसलमान यदि भारत के हिंदू यदि यहाँ के दलित बौद्ध जैन सिख पारसी सभी मिलकर गायें नहीं बचाएंगे तो 80% परसेंट लोग कैंसरस हो जाएंगे कैंसर से उनको मरना पड़ेगा उनकी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाएगी और उसका कारण है उसका कारण है नकली दूध आज की तारीख में 67% परसेंट नकली दूध मिल रहा है जो कि आपको शैम्पू से कास्टिक सोडा से डिटर्जेंट से यूरिया से मिला कर के बना दिया जाता है वो पिलाया जा रहा है जो कि बहुत तेज कैंसरस है और अगले आने वाले सात आठ साल में भारत की तकरीबन अस्सी परसेंट जनता ख़त्म हो जाएगी कैंसर से पीड़ित हो जाएगी इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों में गाय पालनी पड़ेगी और देसी गाय पालनी पड़ेगी क्योंकि उसके मूत्र से ही कैंसर का इलाज होता है इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जब खेती का भोजन करता है अर्थात गेहूं आदि खाता है तो उसमें भी यूरिया पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है वहाँ पर अगर आप जो पेस्टिसाइड यूरिया यूज़ करते हैं अन्न के द्वारा भी आपके अंदर जाता है फिर वही आपके जानवर बेचारा खाते हैं उससे भी आपको कैंसर हो सकता है इस प्रकार से खेती भी भविष्य में बैलों से ही होगी और उनका ही गोबर से खाद बनेगी इस प्रकार से दूध हो चाहे खेती हो हमको वापस गाय और बैल पर ही आना पड़ेगा बहुत सारे लोग जो किन्हीं देखो दिमाग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चली होती हैं कि कुरान के नाम पर जीना है केवल तो कुरान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है अब ऐसे में किसी भी व्यक्ति के द्वारा दुराग्रहपूर्ण ही क्यों ना हो वो हो सकता है गाय को थोड़ा कम मान लेगा जैसे नसीरुद्दीन ने कहा गाय के लिए क्या इंसान को मार दोगे फिर कांग्रेस की एक लीडर खड़ी हुई अंबिका चौधरी है क्या नाम है उसका उसने कह दिया कि गाय से ज़्यादा तो इज्जत इंसान की रही नहीं आजकल गाय की ज़्यादा इज्जत है होगी ही क्योंकि गाय आपको भविष्य में बचाएगी मनुष्य तभी तक जीवित रहेगा जब तक गाय जीवित रहेगी इस धरती के ऊपर गाय ही प्राथमिक और अंतिम अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी इस पूरे विश्व की गाय के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता इसलिए इसलिए कहा गया है कि जो वेदों में एक बार कह दिया वो ही अंतिम सत्य है और इस पृथ्वी का अंतिम सत्य यही बनेगा हम और आप और पचास साठ साल जी करके चले जाएंगे लेकिन जो हमारी आने वाली औलादें होंगी यदि उनको ये धरती बचानी होगी तो वापस उनको उसी कल्चर पर आना पड़ेगा जिसको कि हम छोड़ करके इस हाई टेक जमाने में कूद पड़े हैं इस हाईटेक जमाने ने हमको कुछ नहीं दिया ब बजाय इसके सिवाय इसके कि हमारे चरित्रों पर नुकसान हुआ है हम गलत चीज़ों में पड़ गए हैं आयु कम हो गई है लोगों का दिमाग कम हो गया है जो देसीपना था वो सब कुछ समाप्त हो गया भोलापन समाप्त हो गया है जो बात थी वो सब कुछ समाप्त हो गई है इस वजह से हमको वापस अपने वैदिक काल में ही वापस जाना पड़ेगा वो जो चीज़ें थी उनको वापस से लाना पड़ेगा आगे ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जागरण करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त बुद्धियत धर्मार्थो चानु चिंत काय क्लेशांश्च तमूलान वेद तत्वाथमेव अर्थात मनुष्य रात्रि के अंतिम पहर में उठे और धर्म पालन तथा धर्म पूर्वक अर्थ संग्रह मनुष्य शरीर संबंधी कष्ट और उनके उत्पादक कारणों तथा वेदोक्त उपदेशों पर चिंतन और आचरण करे अर्थात जो सुबह का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय किसी व्यक्ति सभी व्यक्तियों को उठना चाहिए उसके बाद में ईश्वर का ध्यान उपासना करनी चाहिए अपने नित्य कर्म समाप्त करके अपना जो बिजनेस है या कार्य है उसके बारे में चिंतन वनन करना चाहिए आयुर्वेद इसी विषय में कहता है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर उसको योगासन प्राणायाम आदि सब कुछ करना चाहिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और तब जाकर के उसको नाश्तता आदि ग्रहण करना चाहिए आजकल जो हमारी पढ़ाई चल रही है वो हमको क्या सिखा रही है वो ये सिखा रही है संडे है सारा दिन सो सारा दिन मस्ती मारो फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना है तो इस प्रकार से जो गलत भाव हैं सुबह चार बजे शंख बजता था गांव में उसके साथ ही साथ लोग उठ जाते थे आलस्य नहीं करते थे प्रमाद नहीं करते थे इस प्रकार से चार बजे उठना चार से साढ़े चार बजे तक आप उठ सकते हैं सुबह सुबह चार साढ़े चार बजे उठने की आदत डालें और उस समय कुछ ना कुछ स्वाध्याय अवश्य करें पढ़ ऊपर आप उठ करके स्वाध्याय भी कर सकते हैं आप आराम से बैठ कर के प्राणायाम भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से अपना अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए अब आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिनचर्या के आवश्यक शौच आदि कार्य संपन्न करके स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र होकर के काग्रचित होकर के प्रातःकालीन संध्योपासना करनी चाहिए अर्थात गायत्री मंत्र तो कम से कम आपको जप करना ही चाहिए और देर तक उपासना में बैठे अर्थात दोनों समय की संध्योपासना शीघ्रता में ना करें अपितु अच्छा खासा उसको आराम से एक घंटे का समय तो आराम से देना चाहिए अब जैसे कि सुबह सुबह हम यज्ञ करते हैं तो सुबह सात बजे से लेकर के आठ बजे तक का यज्ञ का समय होता है और सुबह छः से लेकर के सात बजे तक का प्राणायाम का समय होता है और पाँच बजे से ले कर छः बजे तक का निवृत्त होना होता है तो साढ़े चार बजे तो आप आराम से उठेंगे ही तो साढ़े चार बजे उठें उसके बाद में संध्योपासना करें उसके बाद में हवन इत्यादि करें तो इस प्रकार से ऋषि कह रहे हैं और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने देर तक संध्योपासना करने के कारण ही अपने जीवन में लंबी आयु दीर्घ आयु बुद्धि यश प्रसिद्धि ब्रह्म तेज आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया है मित्रों एक बात मैं आपको यहां तक बता रहा हूं आज के हमको अपने जीवन में यदि कोई भी समस्या आ जाए यदि हम बिल्कुल मतलब पजल हो जाएं, हमको लगे कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं हम प्रत्येक कक्षा के लास्ट में तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं आप सीधे बैठ जाएं अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से मुद्रा में लें अपने घुटनों पर रख लें सीधी कमर कर लें और लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करना शुरू कर दें लंबी गहरी सांस के साथ ओम को भी लंबा खींचें और फिर नाक से म्... ओ इस प्रकार से करें आपका यह पूरा जो भी मस्तिष्क है यह पूरा का पूरा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी तो आपके जितनी भी चित्त की वृत्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं सब की सब एक साथ आनी शुरू हो जाएंगी यह साइंटिफिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं ओम का जाप मन मन ही मन भी कर सकते हैं और इस प्रकार से सीधे बैठकर भी कर सकते हैं चाहे आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो आप सीधे एकाग्र होकर के बैठ जाइए सब चिंताओं को त्याग दीजिए आप देखना यदि आप आराम से बैठ जाएंगे तो आपको ज़रूर रास्ता वहाँ से मिलेगा ज़रूर आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मार्ग का प्रशस्त वहाँ से होगा और यदि आप प्रतिदिन ध्यान करें तो आप कभी भी अपने जीवन में पजल नहीं होंगे तो इस प्रकार से ऋषि यही कह रहे हैं कि जितने भी मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं उन सब ने बहुत देर देर तक ध्यान किया है सीधे बैठे रहे एकाग्रचित रहे सब चिंताओं का त्याग किया और वो पूर्णतया विचार शून्यता की स्थिति में गए और तब जाकर के उनको ईश्वर की ओर से लंबी आयु मिली उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि यश और प्रसिद्धि और ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ श्लोक में आगे कहते हैं गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह पत्नी के ऋतुकाल की अवधि होते हुए भी अमावस्या अष्टमी पूर्णिमा और चतुर्दशी के दिन सर्वथा ब्रह्मचारी रहे अर्थात बीच में भी अमावस्या अष्टमी पूर्णिमा और चतुर्दशी इस प्रकार से चार दिन उन्होंने पत्नी से मिलन के लिए मना किया है अब आगे बढ़ते हैं ऋषि कहते हैं गृहस्थ द्विज शत्रु और शत्रु के सहायक अधार्मिक चोर, पराई स्त्री इनसे मेल जोल ना रखे और कभी भी पर स्त्री गमन ना करे इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ अब देखिए ऋषि के अनुशीलन में वो क्या कह रहे हैं और कल क्या चीज़ें चलने वाली हैं कल ऋषि बताएंगे कि दूसरी पर स्त्री सेवन से क्या क्या हानियाँ होती हैं इस प्रकार से हमारी मनुस्मृति का चौथे अध्याय का एक खंड समाप्त हुआ यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि पर स्त्री एक दुश्मन के समान हैं मनुष्य को चाहिए कि वो कभी भी अपने दुश्मनों दुश्मनों के दोस्तों और पर स्त्री अर्थात इसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह सकते हैं कभी भी जीवन में ना करें अर्थात उनकी तरफ देखना या फिर उनके साथ में मेलजोल बढ़ाना ये सब शत्रु पैदा करने के समान है आप अपने जीवन में जीते जी शत्रु पैदा कर लेते हैं यदि आप मित्र के अलावा शत्रु और शत्रु के मित्र और फिर या पर स्त्री के साथ में दोस्ती बढ़ाते हैं तो तो इस प्रकार से ऋषि की बहुत सारी बातें हमने आज की और इस कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं सभी सीधे बैठ कर के तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ सभी को सादर नमस्ते शुभ रात्रि। इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें धन्यवाद